उस वक्त में जब पूरा देश शोक से ग्रस्त था, जब पूरे देश में शोक का लहर चल रहा था, तभी एक खबर आई जो हमको थोड़ा सा मुस्कुरा लेने की अनुमति देती थी। जी हाँ, वो खबर थी बजरंग पुनिया की। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsview360.com खबरें अलग अंदाज में, और मैं बात कर रहा हूँ बजरंग पुनिया, जिन्होंने 18वें एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। 65 किलोग्राम के वर्ग में इन्होंने जापान के ताकातानी को हराया, और उसके बाद 2014 में इन्होंने 17वें एशियाई गेम्स में कांस्य जीता था। और कांस्य जीतने के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे स्पोर्ट्स के गलियारों में कि शायद अगले एशियाई गेम्स तक ये हमारे लिए स्वर्ण पदक ले आए। और अपने हम लोग के भरोसे पे खड़े उतरते हुए पुनिया ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार हर भारतीय बेसब्री से कर रहा था जब इन्होंने फाइनल में जाने की जगह बना ली थी। मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत गजब की, पहले का जो राउंड था उसमें इन्होंने पहले ही राउंड में टेक ओवर करके 6 अंक हासिल कर लिए, और पहले राउंड में 6-2 की बढ़त इन्होंने बना ली थी ताकातानी पे। उसके बाद दूसरे राउंड में ताकातानी ने जोरदार वापसी की, 4 अंक हासिल कर लिए। इस राउंड में बजरंग पुनिया ने कोई अंक नहीं हासिल किया और 6-6 पे स्कोर आकर के बराबर हो गया। उसके बाद चला तीसरा राउंड, तीसरे राउंड में बिल्कुल मौका नहीं दिया, पहले 8-6 किया, उसके बाद 10-6 करके पूरी तरह से एक गोल्ड के लिए अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर दी और भारत को मिल गया पहला स्वर्ण पदक। इससे पहले उज्बेकिस्तान के पहलवान सिरोजुद्दीन को इन्होंने 13-3 से हराया था, और क्वार्टर फाइनल में इन्होंने तकाजिस्तान के जेकबे को 12-2 के एकतरफा मुकाबले में हरा करके ये कारनामा हासिल किया है। इनका जो जन्म होता है वो खुंदम गांव में होता है, जो कि झाझर जिला है हरियाणा का, वहां का एक छोटा सा गांव है, वहां पर जन्मे। और उसके बाद इनके अंदर जो ललक थी कुश्ती को लेकर के, रेसलिंग को लेकर के, इनके परिवार ने इसको पहचानी। इनके पिताजी जिनका नाम हरेंद्र सिंह पुनिया है, इनको बहुत सपोर्ट किया, बहुत इंकरेज किया, और इनकी पूरी फैमिली इनके इसी चीज को निकालने के लिए गांव से सोनीपत यानी कि शहर आ जाती है। जो सोनीपत एक शहर है छोटा सा, जहां पर सेंटर है इंडियन गेम अथॉरिटी का, जहां पर लोग खेलते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं, वहां पर चले गए। वहां पर इन्होंने जब गए और जाने के बाद इन्होंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद इनको टीटीई की नौकरी मिल गई रेलवे में, और रेलवे की तरफ से खेलते खेलते आज इन्होंने ये हासिल किया है। पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि देश के एक नौजवान ने एशियन गेम्स में जापान को हरा करके, जापान के पहलवान को हरा करके हमारे लिए स्वर्ण जीता है। तो मैं आदित्य सिंह न्यूज व्यूज की तरफ से बजरंग पुनिया को बहुत बधाई देता हूं, और आप सभी को बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि भारत के लिए और स्वर्ण पदक इस पूरे एशियन गेम्स में आएंगे। धन्यवाद।